गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीडीएस। देखो, टेक्स्ट रिडक्शन एंड सोर्स, चार वीडियो हम पहले बना चुके हैं, चार लेक्चर मैं आपके ले चुकी हूँ, ठीक है। आज फिफ्थ लेक्चर आपका टीडीएस के ऊपर वही है, अच्छे से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है, बट आपको पता है कि एग्ज़ाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा आपका ठीक जरूर होना है, दो नंबर आपके पक्के हैं, राइट। तो इतनी ही इतनी शिद्दत के साथ करो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, ठीक है। आपको बिल्कुल भी टेंशन ना रहे, और जो आपके मुश्किल सब्जेक्ट थे वो मैंने पकड़ ही लिए हैं। बहुत सारे बच्चों ने कॉमेंट किया था कि दीदी वो कराओ, लीगल आस्पेक्ट ऑफ बिज़नेस कराओ, मैंने कम्प्लीट कराया है उसको, ठीक है, बिज़नेस फाइनेंस कंप्लीट करा है, अब टैक्स कंप्लीट होने को है, ठीक है। एक दो टॉपिक ही रहते हैं, आपका टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो आज वाला टॉपिक आप ध्यान से सुनेंगे, वो है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीडीएस। टीडीएस के ऑब्जेक्टिव्स करेंगे हम। सबसे पहले टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। नंबर वन, मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब एम क्या है, टीडीएस क्यों काटा जाता है। टैक्स डिडक्टेड एंड सोर्स, जैसे आपको पेमेंट रिसीव हो रही है, आपका टीडीएस ही क्यों काट के आपको मिलती है, आप बाद में तो भी तो टैक्स पे कर सकते हो, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है आपका टू एनेबल्स द सैलरीड पीपल टू पे द टैक्स एज दे अर्न एवरी मंथ, मीनिंग जैसे जैसे वो पे, जैसे जैसे वो रिसीव करते जाएंगे सैलरी, उनका टीडीएस कटता जाएगा। इससे क्या हेल्प मिलेगी, दिस हेल्प्स द सैलरीड पर्सन इन पेइंग द टैक्स इन अ ईजी इंस्टॉलमेंट एंड अवॉइड द बर्डन ऑफ लमसम पेमेंट। इससे क्या होगा, जो सैलरीड पर्सन होंगे उनके मंथली बिहाफ पर टैक्स कटता जाएगा, जिसकी वजह से उसका फ़ायदा उनको क्या होगा कि उनके, मतलब एकदम से ये नहीं होगा कि लमसम अमाउंट उनके पास से निकल कर जा रही है तो उनको एकदम से यूँ हार्ट अटैक ना आ जाए कि ये क्या होगा, इतनी अमाउंट हमारी पॉकेट से निकल कर जा रहे हैं। इस वजह से उनको पता भी नहीं चलेगा, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर क्या हो जाएगा, उनके टीडीएस की अमाउंट कट जाएगी। तो पहला ऑब्जेक्टिव समझ में आया, सैलरीड पर्सन को क्या फ़ायदा होने वाला है। सेकंड पॉइंट है द कलेक्ट द टैक्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इनकम टू वेरियस असेसीज सच एज कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रोफेशनल्स एट्सेट्रा, मीनिंग कई कॉन्ट्रैक्टर और प्रोफेशनल्स हैं, उनसे उसी टाइम पर जैसे उनको उनकी इनकम रिसीव होगी उसी टाइम पर टीडीएस कलेक्ट कर लिया जाएगा। बाद की टेंशन नहीं रहेगी कि बाद में क्या होने वाला है, उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, गवर्नमेंट रिक्वायर फंड्स थ्रू आउट द ईयर, हिंस एडवांस टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हेल्प्स द गवर्नमेंट टू गेट फंड्स थ्रू आउट द ईयर एंड रन द गवर्नमेंट वेल। देखो, आप सबको पता ही होगा कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट तो होगी, ठीक है। अब गवर्नमेंट्स को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, पूरा साल गवर्नमेंट वेट करेगी जब लोग टैक्स देंगे तभी वो कुछ कर पाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट है, अब गवर्नमेंट उस फंड को पूरा, मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसको कहाँ से लेगी, वो एडवांस टैक्स या टीडीएस के थ्रू ही लेगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को वहाँ से फंड्स ईजिली मिल जाएंगे और गवर्नमेंट का पूरा साल काम चल जाएगा, तो ये भी ऑब्जेक्टिव हो गया। तो तीन ऑब्जेक्टिव तो हमने अभी आराम से कर लिए। पहला ऑब्जेक्टिव हमने सैलरीड पर्सन का बता दिया कि सैलरी पर्सन के सिर पे बोझ नहीं आएगा, कहने का मतलब है लमसम अमाउंट उनको पे नहीं करनी पड़ेगी, फटाफट वो पे कर देंगे। सेकेंड नंबर पर जो कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल थे वो टैक्स साथ साथ के दे देंगे, हमें भी टेंशन नहीं रहेगी कि वो टैक्स दे रहेंगे या नहीं देंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर भाई गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है, गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है पूरे साल के अंदर। अब गवर्नमेंट को पूरे साल के अंदर फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी तो जो एडवांस टैक्स होगा और टीडीएस होगा इसी से काम चला लेगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का काम चल जाएगा। तो ये भी हो गए, तो तीनों पॉइंट आई होप आपको लर्न हो गए। नहीं, मुझे पक्का पता है कि आपको लर्न हो गए हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीडीएस। लेकिन इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, टीडीएस इज़ नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस, कि कुछ ऐसे केसेस गिवन हैं जहां पर आपका टीडीएस जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। नंबर वन, व्हेन द अमाउंट इज़ पेड टू गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट बॉडी एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बेटा, अगर आपने अमाउंट जो पे की है वो किसी गवर्नमेंट को पे की है, किसी गवर्नमेंट बॉडी को पे की है, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पे की है, क्या बोला मैंने, गवर्नमेंट को अमाउंट पे की है, गवर्नमेंट बॉडी को अमाउंट पे की है, या फिर आरबीआई को अमाउंट पे की है, तो वहाँ पर आपको टैक्स काटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पहला पॉइंट हो गया क्लियर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। सेकंड बताओ जी, सेकंड बता रही हूँ, अमाउंट इज़ पेड टू नोटिफाइड म्यूचुअल फंड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23D। 10 सबसेक्शन 23D के अंदर अगर आपने पे करी अमाउंट नोटिफाइड म्यूचुअल फंड को अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 23, ध्यान से देखो, 10 सुनो, 10 सबसेक्शन 23, अगर आपने
नोटिफाइड म्यूचुअल फंड में अमाउंट पे करी है तो आपके ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा, आपको टीडीएस काटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। थर्ड नंबर पर आता है आपका व्हेन डिडक्टी हैज सर्टिफिकेट ऑफ नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। देखो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 192 ये कहता है कि आपको डिडक्शन काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस डिडक्टी के पास, किसके पास, उस एससी के पास वो सर्टिफिकेट है तो उसको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। तीन पॉइंट हो गए पक्के याद। फोर्थ पॉइंट सुनो, व्हेन अमाउंट इज पेड टू स्टेट और सेंट्रल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ऊपर बात थी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर है कि अमाउंट अगर पे कर रहे हो आप किसी स्टेट या सेंट्रल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को, क्या बोला मैंने, स्टेट या सेंट्रल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को, तो वहाँ पर भी आपको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है आपका इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पे टू, आपने इंटरेस्ट किसको पे किया, बैंक और बैंकिंग कंपनी को पे किया इंटरेस्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को, यूटीआई और एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी को, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, नॉन रेजिडेंशियल एक्सटर्नल अकाउंट, बैंकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी सेविंग अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी नोटिफाइड बॉडी फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स। कहने का मतलब है जो आपको थोड़ी प्रोफेशनली अच्छी अच्छी लगे ना, उनमें अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो देखो आपको बचपन से सिखाया जा रहा है, इलेवेंथ से आई होप आपको ट्वेल्थ में आपको मैक्रो में पता चल गया होगा कि अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो, नहीं तो आपको इनकम टैक्स में तो पता चल गया होगा ना फाइनल में, अगर आप इंटरेस्ट पे करते हो मीनिंग आपने लोन ले रखा है तो लोन के अमाउंट पे तो टैक्स लगता है बट इंटरेस्ट पे तो नहीं लगता। तो इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हो किसी बैंक को, बैंकिंग कंपनी को, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को, यूटीआई को, एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, बैंकिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी नोटिफाइड बॉडी फॉर द नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स, तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। बात समझ में आई, क्या बोल गई मैं, जो इंटरेस्ट आप रिसीव करोगे उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, जो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा उसके ऊपर टीडीएस नहीं लगेगा। समझ में आई बात, मतलब जो पे करेगा आपको वो टीडीएस नहीं काटेगा, बिल्कुल भी नहीं काटेगा। यहाँ पर समझ में आई इंटरेस्ट वाली अमाउंट पर, बिल्कुल क्रैक हो गया दिमाग में ये पॉइंट, ओके। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोसीजर फॉर ई फाइलिंग टीडीएस रिटर्न। ये क्या करना है इसको एक बार फटाफट देखो, एक बार मैं बता देती हूँ आपको नॉर्मली, एक बार थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करना, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। गो टू ई फाइलिंग होम पेज पर जाओ, आप लॉगिन करो विद यूज़र आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको पासवर्ड प्रोवाइड किया गया है और वो आईडी आप लॉगिन करो। गो टू टीडीएस सेक्शन में जाओ, सेलेक्ट करो अपलोड टीडीएस ऑप्शन को, अपलोड करो, सेलेक्ट एंड फिल इन ऑल डिटेल्स करेक्टली एंड वैलिडेट द स्टेटमेंट डिटेल्स, आप सारी सब कुछ करेक्टली आप दिखो। अपलोड द टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट प्रिपेयरिंग यूजिंग यूटिलिटीज डाउनलोडेड फॉर्म फ्रॉम NSDL वेबसाइट से, वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ TDS TCS की अपलोड कर दो जो आपने रिटर्न फाइल करी है। ई फाइलिंग रिक्वायर जो काटा है ना, ई फाइलिंग नेक्स्ट पॉइंट आएगा, ई फाइलिंग रिक्वायर डिजिटल सिग्नेचर ऑफ डिडक्टर, जनरेट सिग्नेचर फाइल यूजिंग TSC एंड अटैच द सिग्नेचर फाइल, क्लिक ऑन अपलोड बटन एंड यू विल रिसीव द कन्फर्मेशन मैसेज, फाइलिंग स्टेटस ऑफ द रिटर्न कैन बी व्यूड ऑनलाइन अंडर व्यूड फाइल TDS टैब। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली प्रोसीजर जो ई फाइलिंग का है, टीडीएस का है, वो नॉर्मल सा है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपके सामने आ जाता है ई फाइलिंग का, वो दिखाओ मतलब प्रोसेस बताओ, तो आप इजीली बता दोगे कि सबसे पहले आप ई फाइलिंग होम पेज पर जाओ, फिर लॉगिन करो आईडी और पासवर्ड, फिर उसके बाद टीडीएस सेक्शन में जाओ, वहाँ पर अपलोड टीडीएस को करो, उसके बाद सारे डिटेल्स करेक्टली भर दो, टीडीएस टीसीएस की अपलोड फाइल कर दो, ई फाइलिंग रिक्वायरमेंट डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड होंगे अगर आपको आते हैं तो, ठीक है, नहीं तो डिजिटल सिग्नेचर आप जनरेट करवाओ और फिर वहाँ पर दे दो, मतलब सिग्नेचर लगा दो, क्लिक ऑन अपलोड बटन, अपलोड बटन पर क्लिक कर दो और यू विल रिसीव द कॉन्फर्मेशन मैसेज आपको मिल जाएगा एंड आपकी टीडीएस है वो रिटर्न फाइल हो जाएगी, ठीक है। और आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया, मीनिंग एक बार आप आगे से जाके वीडियो को दोबारा से देख लो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देख लेनी है, राइट, ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे। एंड और क्या बता रही हूँ मैं, यस,
बहुत ही अच्छे तरीके से। आप पहले वाली वीडियो देखो, TDS की सारी वीडियो जब मैं कंप्लीट करा दूँ ना पूरा का पूरा, अभी 5/5 वीडियो है ना ये TDS की, जितनी भी रहती है मैं सारा कराऊंगी। TDS की दोबारा से एक बार सारी वीडियो देखना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपके फ़ायदे की बात कर रही हूँ, राइट। देखो तो देखो, नहीं तो आपकी मर्जी है, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, राइट। एंड आपको पता है बहुत कम दिन रह गए, डरा नहीं रही हूँ बिल्कुल भी, मत रो, बट थोड़ा सा और जोर लगा दो, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।